give detailed account of electron transport chain and its inhibitors. ओके तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स ऐड कर देंगे. तो पहले करेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर फॉर मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टू जनरेट रिड्यूस कोएंजाइम्स जो कि है NADH एंड FADH2. फिर वही रिड्यूस एंजाइम बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP लिबरेट करते हैं. ओके तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पॉइंट. थर्ड है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ATP सिंथेसाइजिंग सिस्टम आर लोकेटेड इन ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है हमारी वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है. ओके ये हो गया हमारे थर्ड, ये हो गया हमारा थर्ड इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स. उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी चेन. ओके तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैन बी डिस्ट्रप्टेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट रेस्पिरेटरी और एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो उसके बाद हम लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स 1 to 4 आर कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल कॉम्प्लेक्स 5 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP सिंथेसिस. जो कि कॉम्प्लेक्स 5 जो है हमारा वहाँ पे ही सिर्फ ATP सिंथेसिस होता है और बाकी के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है. ओके और थर्ड पॉइंट है हमारा देयर आर सर्टेन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दैट इज NADH कोएंजाइम क्यू एंड साइटोक्रोम सी. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी चेन. तो सबसे पहले सबस्ट्रेट से NAD प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, फिर NAD रिड्यूस होकर NADH एंड H+ ion फॉर्म करता है. उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है पास आउट होते हैं FMN को, जो कि फ्लावर प्रोटीन है, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में रहता है, जो है NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज. ओके फिर FMNH2 से वो पास होता है FES को, जो कि है आयरन सल्फर प्रोटीन. फिर FES से वो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं कोएंजाइम क्यू को. और एक दूसरा लेन है इसका सक्सीनेट्स FAD के साथ मिलकर FADH2 फॉर्म करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स 2 में मिलता है, और वो कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स 2 सक्सीनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज. ओके फिर उसके बाद जो आयरन सल्फर प्रोटीन है उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं कोएंजाइम क्यू को. फिर कोएंजाइम क्यू से वो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं साइटोक्रोम बी, देन FES जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन, उसके बाद है साइटोक्रोम C1. ये सभी मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स 3, दैट इज कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी रिडक्टेज. उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोक्रोम सी को, जो कि हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है. एंड एट लास्ट वो पास होता है कॉम्प्लेक्स 4, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि फॉर्म करता है साइटोक्रोम ए और A3 मिलकर. और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं कॉम्प्लेक्स 5, दैट इज ATP सिंथेटिस, जहाँ पे हमारा ATP जनरेट होता है, जहाँ पे F0 और F1 जो होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स होते हैं इसके ATP सिंथेस के. ओके तो यहाँ पे ये हमारा ATP फॉर्म हो गया. तो ये हो गया हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स एंड रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे NAD इज मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. NAD इज रिड्यूस टू NADH एंड H+ ion बाय डिहाइड्रोजनेस विद रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट. ओके तो सबस्ट्रेट इंक्लूड्स ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड पाइरुवेट आइसोसिट्रेट. तो यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ NAD रिएक्ट होता है और सबस्ट्रेट से 2 H+ ion और 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट कर लेता है. तो हमारा सेकंड है फ्लावर प्रोटीन. एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज, दैट इज NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, इज अ फ्लावर प्रोटीन विद FMN एज ए प्रोस्टेटिक ग्रुप. कोएंजाइम FMN एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू फॉर्म FMNH2. तो इसके बाद क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजनेज इज क्लोजली एसोसिएटेड विद आयरन सल्फर प्रोटीन. ओके तो ये कंपोनेंट हो गया हमारा स्ट्रक्चर और कंपोनेंट. उसके बाद है ये हमारा रिएक्शन NADH plus H plus FMN, जो कि हमें देता है NADH एंड FMNH2. ये हमारी रिएक्शन है. उसके बाद जो हमने सेकंड लाइन देखी थी वो देखेंगे सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हमने देख लिया. उसके बाद है इट इज ऑल्सो फ्लावर प्रोटीन विद FAD
इन अ कोएंजाइम, दिस कैन एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन एटम, 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सक्सिनेट। ओके, तो ये हमारा सेकेंड लेन का है। उसके बाद है सक्सिनेट प्लस FAD, फ्यूमारेट फॉर्म करता है और FADH2 देता है। उसके बाद हमने देखा था वो इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं FeS को, जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन। तो उसमें क्या होता है, 1 FeS पार्टिसिपेट्स इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FMN टू कोएंजाइम Q, जो कि सेकंड लेन का है। नहीं, ये फर्स्ट लेन का है। उसके बाद है FeS प्रोटीन एसोसिएटेड विद साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1, जो कि कॉम्प्लेक्स 3 में होता है, जो हमने डायग्राम में देखा था। तो हमारा चौथा कंपोनेंट है कोएंजाइम क्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज यूबिक्विनोन, इट इज अ लिपोफिलिक इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FNH2 प्रोड्यूस इन ETC बाय NADH डिहाइड्रोजनेज और FADH2 प्रोड्यूस आउटसाइड ETC। ओके, तो ये क्या करता है, FADH2 से भी इलेक्ट्रॉन लेता है और FMNH2, और वो पास करता है साइटोक्रोम बी को। ओके, दैट इज एग्जाम्पल क्या है, वो आउटसाइड द ETC से जो लेता है इलेक्ट्रॉन्स, उसके सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंड अकिल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजन। पांचवा कंपोनेंट है साइटोक्रोम्स। तो उसमें आते हैं साइटोक्रोम्स आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंटेनिंग हीम ग्रुप। सेकंड पॉइंट है हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम डिफर फ्रॉम हीम ग्रुप फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ओके, तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से अलग होता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से। थर्ड है द आयरन ऑफ हीम इन साइटोक्रोम इज अल्टरनेटली ऑक्सीडाइज, दैट इज फेरिक फॉर्म एंड दैट इज अ फेरस फॉर्म Fe2। ओके, ये ऑक्सीडाइज होता है और रिड्यूस भी होता है अल्टरनेटिवली। ओके, फोर्थ पॉइंट है विच इज इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETC, जो कि ये इसेंशियल मतलब प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कोएंजाइम क्यू टू साइटोक्रोम इन ऑर्डर बी सी सी वन ए एंड A3। तो ये हमारे साइटोक्रोम्स का ऑर्डर है। द प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ हीम आयरन, दैट इज ये फेरस से फेरिक में ऑक्सीडाइज होता है और बाद में रिड्यूस भी हो जाता है, प्रेजेंट इन साइटोक्रोम अलो देम टू फंक्शन एज इफेक्टिव कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है हमने इससे पहले भी देखा है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर बहुत मैटर करती है। ओके, साइटोक्रोम सी दैट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये, सेंट्रल मेम्ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद एज ए इंटरमीडिएट रेडॉक्स पोटेंशियल, लूजली बॉन्डेड विद द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इजिली एक्सट्रैक्टेड। ओके, तो ये सेंट्रल मेम्ब्रेन में होता है साइटोक्रोम सी। उसके बाद हम देखेंगे साइटोक्रोम ए एंड A3, टर्म साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज एज टर्मिनल कंपोनेंट ऑफ ETC। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का टर्मिनल कंपोनेंट है साइटोक्रोम ए एंड A3। उसके बाद है ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दैट इज हीम आयरन ऑफ विच कैन डायरेक्ट रिएक्ट विद मॉलिकुलर ऑक्सीजन। जो इलेक्ट्रॉन्स हीम आयरन दैट इज हमारे साइटोक्रोम कैरी करते हैं, वही मॉलिकुलर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा इन फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, द ट्रांसपोर्टेड इलेक्ट्रॉन एंड फ्री प्रोटॉन एंड मॉलिकुलर ऑक्सीजन कंबाइंस टू प्रोड्यूस वाटर। एट लास्ट जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो है वाटर। सबसे लास्ट में हमें क्या मिलता है, वाटर। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स एंड रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे हम इनहिबिटर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट टू इलेक्ट्रॉन पास होते हैं NAD। उसके बाद आता है FMN, जो कि फ्लावर प्रोटीन है, जहाँ पे ये है फर्स्ट साइट है ATP सिंथेसिस का। ओके, तो ये हमें मिल गया फर्स्ट साइट ऑफ ATP सिंथेसिस। उसके बाद FMN टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है कोएंजाइम क्यू। तो यहाँ पे जो इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं, एज इनहिबिटर एक्ट करते हैं, वो है अमाइटल, रोटेनोन एंड पायरीसिडिन ए। तो ये हमारे तीन इनहिबिटर यहाँ पे एक्ट करते हैं FMN और कोएंजाइम क्यू के बीच में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोक्रोम बी के ऊपर, साइटोक्रोम बी को, जहाँ पे दूसरा ATP सिंथेसिस होता है, और ये है हमारा सेकंड साइट ऑफ ATP सिंथेसिस। साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1, यहाँ पे जो होता है हमें दो इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं, वो है एंटीमाइसिन ए एंड बाल। ओके, BAL बाल, दैट इज द टू इनहिबिटर्स विच एक्ट बिटवीन साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोक्रोम सी को, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है।
उसके बाद साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए थ्री। ये जो साइटोक्रोम ए थ्री है वो है हमारा थर्ड साइट, दैट इज साइट ऑफ एटीपी जनरेशन। ये हमारा के बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ओटू को। यहाँ पे हमें मिलता है तीन इनहिबिटर, दैट इज साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सोडियम अजाइड। तो ये हो गए हमारे तीन लास्ट के इनहिबिटर्स। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद द साइट्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस एंड इनहिबिटर्स। ओके, तो ये हो गए हमारे साइट्स एंड इनहिबिटर्स।